और वहां से भेजा जा रहा है, और अभी तो पता नहीं क्या क्या चीजें आई हैं, अभी देखिए अगले साल तक क्या क्या आ रहा है आपके सामने। अभी मैंने अपने दोस्तों को शेयर किए कुछ चीजें जो वहां इस साल की गई हैं और अगले साल आपके यहाँ इंशाल्लाह इम्पोर्ट की जाएंगी। और किसके जरिए से इम्पोर्ट की जाएंगी, खुद ही पहचान लेना, जिनके जरिए से इम्पोर्ट हो तो समझ लेना, मैं एक साल पहले खबर दे रहा हूँ आपको, क्योंकि पता नहीं मैं रहूं कि ना रहूं, एक साल पहले दे रहा हूं आपको खबर कि नई चीज आ रही है अगले साल मार्केट में। खवातीन का जंजीर का मातम आ रहा है। अली के शिया, कितनी शर्म का मकाम है, ना कहूं ये बात, नहीं मजलिस पे क्यों कह रहे हैं, वो पूरी दुनिया में जो चल रहा है, वो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, वो दुनिया गालियां दे रही है, वो नहीं बोलो, आलिम ना बोले, मार दो, खत्म कर दो, फिर नहीं बोलेंगे, शर्म है कुछ हया है, बाल खुले बच्चियां, अजीब गरीब लिबास पहने बच्चियां, उसे जंजीरें यूरोप में लगवाई जा रही है ताकि जमीन हमवार की जाए। या है ऐसे कुछ बदबख्त हैं ऐसे बदबख्त जो मौके की तलाश में हैं कि कब ये काम किया जाए यहां पे, क्यों, क्योंकि सब खामोश बदमाशों के डर से, क्योंकि ये अपने साथ 100-150 बदमाश लेकर चलते हैं। मैं तो अकेला बैठा हूं ना, बोल रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं सब, पता नहीं कब मर जाऊं, नहीं बोले क्या देंगे अल्लाह को जवाब, हम क्या मुंह लेके जाएंगे कब्र में, हमारे सामने ये सब, हम चुप कर रोजा रख रहे, नहीं बोलो, नहीं बोलो, समझ में आ रही बात मेरी, यहां तक बात पहुंच गई। किस मसाइब पे रोऊं, सानिया जहरा की बेचादरी पे रोऊं, या आज की इन बेचादरी पे रोऊं कि जो अपनी बच्चियों को सरबरहना बाजार में ला रहे हैं, किसका मातम करूं बताओ, किसका मातम करूं, उस सकीना 4 साल की हुसैन की बच्ची जिसके बाल बड़े बड़े नहीं थे, जो अपने हाथों से अपने चेहरे का पर्दा कर रही थी, उसको रोऊं, या ये देखूं कि आज कुछ बदबख्त अपनी बच्चियों को खुद बाजारों में इस तरह से लाते हैं कि शर्म से सर झुक जाते हैं, किसको रोऊं, ना बोलूं, नहीं बोलूंगा, ना बुलाओ, मार दो, खत्म कर दो, जिगर छलनी है, जिगर खून है, ये हो रहा है दुनिया में, ये कर रही है दुनिया हमारे साथ, करने दे, छोड़ दे, गालियां दो मराचे को, फुकाह को, ये सबसे अच्छा फेल है, इधर क्या हो रहा है किसी को नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उलमा रोक रहे हैं, इसलिए उलमा कह रहे हैं कि ये एजेंटों के काम है, उलमा कह रहे हैं तशय्यों को तबाह करने की साजिश है, इसलिए ऐ मेरे मौला हुसैन,